कि किसी को तुम कन्हैया हो और किसी को नंद नंदन हो। भिखारी जो तुम्हारे हैं उन्हें तुम विश्व का धन हो। घड़ी है आज की सचमुच मुबारक, दिन मुबारक है कन्हैया, दिन मुबारक है। घड़ी आज की सचमुच मुबारक, दिन मुबारक है कन्हैया, दिन मुबारक है। मुबारक है ये पृथ्वी जिस पे पृथ्वीपति का दर्शन हो। श्रोता बंधुओं, नरसी ने बैलगाड़ी लेकर सारा सामान रखा, कुछ साधु संतों को भी अपने साथ में लिवा लिया और सिरसागढ़ की ओर चल दिए। उन साधु संतों से बैलगाड़ी खचाखच भरी हुई थी। नरसी स्वयं गाड़ी बांधे, रास्ता कुछ रेगिस्तान जैसा था। एक जगह क्या हुआ, गाड़ी का पहिया धूल में बुरी तरह फंस गया। अब तो बैलों के जोर लगाने पर भी पहिया नहीं निकला। नरसी बड़े हैरान, नरसी बहुत परेशान। अब नरसी बहुत परेशान होते हैं जब साधु संत सब परेशान हो जाते हैं, गाड़ी नहीं निकलती है उस कीचड़ में से। अब तो नरसी मन ही मन में सोचने लगते हैं कि भगवान जैसे तैसे गाड़ी लेकर आए तो गाड़ी यहां फंस गई। अब हम ना घर के रहे, ना घाट के, ना वहां पहुंचे, ना यहां के रहे, इसलिए क्यों देर लगाई दरस दिखलाओ सांवरे। ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे। नरसी बुला रहा है कन्हैया कहाँ गया। सोच रहे हैं नरसी के भगवान, ऐसी जगह गाड़ी फंस गई है हमारी कि अब आप ही मदद कर सकते हो। नरसी बुला रहा है कन्हैया कहाँ गया, टूटे न धीर धीर बंधैया कहाँ गया, टूटे न धीर धीर बंधैया कहाँ गया। सोच रहे हैं नरसी के भगवान, तुम इतने निठुर क्यों हुए बतलाओ सांवरे, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे। देर लगाई दरस दिखलाओ सांवरे, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ सांवरे। तो मेरे भाइयों बंधुओं, कर दिया खेल कन्हैया ने। इतने में क्या होता है कि कहीं से एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, नरसी की गाड़ी फंसी हुई देखकर कहने लगा,
क्यों बेचारे बैलों की जान लिए लेते हो? अरे भाई, इन बड़े बड़े पेटों के साधु संतों को नीचे उतारो, तब तुम्हारी गाड़ी आगे को बढ़ेगी। तुमने कभी जिंदगी में गाड़ी हाँकी भी है? अरे तुम माला फेरने वाले क्या जानो गाड़ी हाँक की? आओ मैं निकाले देता हूं। वह बूढ़ा आदमी डोर पकड़कर गाड़ी पर बैठ गया, फिर कहने लगा, क्यों तुम लोगों ने कभी सिनेमा देखा है? साधु कहने लगे, भाई ये सिनेमा क्या बात होती है? कहा कि अच्छा नहीं देखा है तो मैं दिखाता हूं। पहले तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़े ने कहा कि अब खोलो आंखें। आंखें खोलकर साधुओं ने देखा कि गाड़ी गड्ढे से निकलकर बाहर खड़ी थी। कुछ पता नहीं चला गाड़ी कैसे बाहर निकली। फिर बूढ़ा कहने लगा कि ये तुम अभी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर देख रहे हो, अरे बालकनी में देखोगे क्या? भैया तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, ये बालकनी क्या होता है? साधु संत कहने लगे। अब साधु संतों से पूछो बालकनी क्या होता है। साधु संतों ने कहा, भाई बालकनी क्या होता है? तब कहा उस वृद्ध ब्राह्मण ने कि अच्छा आंखें बंद करो, आज मैं तुम्हें बालकनी में सिनेमा दिखाऊंगा। बूढ़े ने कहा। अब भोले भाले साधुओं ने फिर आंखें बंद कर ली। अब एक ही झटके में क्या होता है बंधुओं, कि गाड़ी वहां से निकल कर सिरसागढ़ पहुंच जाती। जब सिरसागढ़ पहुंच गई, कैसे पहुंची गाड़ी देखिए आप, कि बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के, बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के। भगवान को भक्त के बस में होकर क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ये आज आपके समक्ष रख रहा हूं बंधुओं। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। कि बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के, बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के। क्या क्या नाच नचाए इनको भक्तों ने, भक्ति की शक्ति दर्शाई भक्तों ने। ओ करुणा करते दया निधान कन्हैया नरसी के, बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के। अब यहां बंधुओं भगवान क्या करते हैं देखिए आप, कैसे खुद का मान घटे घट जाए, खुद का मान घटे घट जाए, लेकिन तो भक्त का मान न घटने देते हरगिज वो। बस में भक्तों के भगवान कन्हैया नरसी के, बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के। यहां देखिए बड़ा विलक्षण प्रसंग है भक्त और भगवान का। देखिए आप कैसे जोड़ जुड़ता है, भगवान को कोई मतलब नहीं। क्यों? ऋषि मुनियों के योग तलक ठुकराते हैं, ऋषि मुनियों के योग तलक ठुकराते हैं, और भक्तों के कारण प्रभु दौड़े आते हैं। तो हीरा करें सदा गुणगान कन्हैया नरसी के, बन गए गाड़ी बान कन्हैया नरसी के।
श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? साधुओं ने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उस बूढ़े ब्राह्मण ने यह नहीं कहा कि आंखें खोलो। साधुओं ने कहा कि भाई अब आंखें खोलने भी दोगे कि नहीं, ऐसे ही बंद करवाए रहोगे, लेकिन कौन कहे कि आंखें खोलो। वो तो छलिया था, लीला दिखा गया और अंतर ध्यान हो गया। जब किसी ने नहीं कहा कि आंखें खोलो, तो साधुओं ने जब आंखें खोली तो देखा कि हम किसी नगर के बाहर खड़े हैं। देखा तो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं। ना वह रेत थी, ना वह धूल थी, ना वह ब्राह्मण था। तब भक्त नरसी की आंखों में प्रेम आश्रु छलक पड़ते हैं। कहने लगते हैं कि आखिर चित चोर ही तो ठहरे, फिर कर गए चोरी। इतने में कुछ लोगों ने वहां जाकर सेठ मनसाराम से कह दिया कि तुम्हारे समधी साहब गांव के बाहर आकर ठहर गए। बड़े बड़े जटाजूट वाले साधुओं की जमात भी उनके साथ। अब तो बच्चों के लिए ये बड़ा तमाशा बन गया। ऐसे रिश्तेदार तो गांव में पहली बार आए हुए। इतना जब सुना तो सेठ मनसाराम के बदन में ज्वाला भड़कने लगी। बंधु, जब ज्वाला भड़कने लगती है, मनसाराम ने कहलवा दिया कि कह दो उस भिकमंगे से कि गांव के बाहर ही रहे, उसका डेरा उसी खिरक में है, उसी खिरक में उसका डेरा डलवा दो। फिर क्या था, भक्त नरसी को खिरक में ठहरा दिया गया, गांव के पास में ठहरा दिया जाता है। अपनी अपनी धुनी लगा ली सभी साधुओं ने। यहां गांव के बूढ़े बच्चे सब यह नजारा देखने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखने लायक था ही। बंधुओं, अरे कहीं पर चिमटा बज रहा है, कहीं पर रामधुन हो रही है, तो गांव के लोगों का देखने के लिए तांता लगा हुआ था। गली गली में चर्चा हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे कि ये साधु भीख मांगने वाले सेठ मनसाराम के समधी हैं। अरे अगर इसे आना ही था तो अकेला ही आ जाता, जरूरत क्या थी इतनी जमात लाने की, इतने सारे साधु इकट्ठे करने की। हमें लगता है कि यह पूरे गांव की नाक कटवा के रहेगा। अब तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। बंधुओं, नरसी ने एक आदमी से कहा कि भाई अपने सेठ जी के यहां जाकर कह दो कि एक मटका पानी पीने के लिए तो भिजवा ही दे। जब रामा की सास ने सुना कि नरसी ने पीने को पानी मंगवाया है, तो उसने उस आदमी से कह दिया कि कह दो उससे कि साधु बना फिरता है तो फिर पानी भी बरसा ले। अरे फिर क्या था बंधुओं, भक्त की भक्ति पर आंच ना आए। भगवान ऐसा कभी होने नहीं देते हैं कि हमारे भक्त की भक्ति पर कभी आंच आए। क्या था देखिए आप, कि कौरव थे 100 और पांडव थे 5, फिर भी सत्य पर आई न आच, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। कौरव थे 100 और पांडव थे 5, फिर भी सत्य पर आई न आज, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। बंधुओं, भक्ति का करिश्मा क्या है? भक्त बुलाता है और भगवान को आना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने पुकारा, रूप खंबे में हरि का निहारा। प्रहलाद ने पुकारा, रूप खंबे में हरि का निहारा। नरसिंह रूप लख कर हिरण्यकश्यप को पद में संहारा। नरसिंह रूप रख कर हिरण्यकश्यप को पद में संहारा। भक्त जब भगवान को देखता है तो कहीं भी उसकी नजर पहुंचे भगवान उसे दिखाई देता है। जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में, कहीं भी देखे भक्त। जैसे कि जल में वो
फल में वो, जल में वो और थल में वो, कण कण में समाया है हरि धरती का, और यही तो करिश्मा है हरि धरती का। बंधुओं, भक्त पुकारता है भगवान आते हैं। कैसे? द्रौपदी पुकारी आओ जल्दी ओ कान्हा हमारे, जब द्रौपदी पुकारी जल्दी आओ कान्हा हमारे। क्यों आओ, क्यों बुलाया द्रौपदी ने? कहने लगी द्रौपदी कि भगवान, आज मेरी संसार की आस टूट रही है। संसार में मुझे दिख रहा है कि कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। और बंधुओं, जब संसार की आशा छूट जाती है तभी भगवान की आशा लगती। जब द्रौपदी पुकारी जल्दी आओ कान्हा हमारे, पांचों पति विवश हैं मेरे, टूटे हैं सारे सहारे। पांचों पति विवश हैं मेरे, टूटे हैं सारे सहारे। क्या हुआ? न देर लगी सारी बढ़ी, अरे निर्बल को सहारा है हरी भक्ति का।